गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी शैल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन द इज़राइल अरब कॉन्फ्लिक्ट. यस्टरडे आई हैड प्रेजेंटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ माय लेक्चर ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट एंड द करेंट सिचुएशन. टुडे आई शैल बी कंटिन्यूइंग विथ व्हाट आई हैड provided you yesterday. I hope if you have listened to my lecture, you have understood. हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि क्यों पैलेस्टाइन और इसराइल के बीच संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और क्यों आज तक ये लड़ाई चल रहा है. मैंने दो जंग के बारे में भी बात किए थे कि 1948 और 1967, जहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था कि जैसे ही इज़राइल का बर्थ हुआ, पैदाइश हुआ, पैलेस्टीनियन अरब लोग काफ़ी नाराज़ हुए और दूसरे अरब देशों के मदद से उन्होंने सब मिलकर इज़राइल पर हमला किया. लेकिन क्योंकि इज़राइल की सर पर यूएसए, फ्रांस और ब्रिटेन सबका हाथ था, नेचुरली सभी जंग में इसराइल ना ही सिर्फ जीत गए बल्कि पैलेस्टाइन से और उसके पड़ोसी जो अरब मुल्क थे, जैसे कि जॉर्डन, लीबिया, इजिप्ट, लेबानन, यहाँ से भी बहुत सारे हिस्से इसराइल ने अपने कब्ज़े में कर लिया. तो देखिए, जब यूनाइटेड नेशंस के सामने इस कॉन्फ्लिक्ट का एक समाधान, एक सॉल्यूशन की मांग किया गया, तो टू स्टेट सॉल्यूशन बताया गया कि जहाँ पे दो स्टेट रहेगा, एक तरफ इज़राइल, जीविश पॉपुलेशन का स्टेट, और दूसरी तरफ पैलेस्टाइन, जहाँ पर सिर्फ अरब मुसलमान लोग ही रहेंगे. लेकिन इस बात से अरब लोग खुश नहीं थे. पैलेस्टाइन को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि अरब राष्ट्र में, अरब लैंड में, जिस ज़मीन पर, जिस लैंड पर बहुत सदियों से, बहुत सालों से अरब्स लोग राज करते हुए आए हैं, वहाँ अचानक एक दिन इतने सारे अरब देशों के बीच एक ज्यूइश राष्ट्र बना दिया जाएगा. इस बात से पैलेस्टीनियन नागरिक खुश नहीं थे और सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, लीबिया, यानी कि अरब देश भी इस बात से सहमत नहीं थे. तो इसके अलावा और भी एक ऑप्शन था, एक दूसरा ऑप्शन, जहां पर कहा गया कि देयर विल बी ओनली वन स्टेट सॉल्यूशन. वन स्टेट सॉल्यूशन मतलब क्या? जहां पे पूरा वो ज़मीन जिसको बांट कर इसराइल और पैलेस्टाइन को बनाया गया है, उस पूरे ज़मीन पर या तो इसराइल रहेगा या फिर पैलेस्टाइन रहेगा. लेकिन ये सॉल्यूशन भी किसी को मंजूर नहीं हुआ, क्योंकि अगर ऐसा एक सॉल्यूशन को अपनाया जाता है तो जिस जाति के लोगों को स्टेट मिलेगा वो दूसरे जाति के लोगों को, उनका अस्तित्व, उनका शख्सियत को अस्वीकार करने लगेगा. अगर पूरा लैंड पैलेस्टाइन को मिलता है तो इजरायली ज्यूइश लोगों की शख्सियत, उनकी एग्जिस्टेंस ही क्वेश्चनेबल बन जाएगा. फिर सवाल आएगा कि इतना सारा ज्यूइश पॉपुलेशन जाएगा कहाँ, क्योंकि यूरोप में तो इन लोगों को बहुत परसिक्यूशन सहना पड़ा, तो यूरोप में लौटने का कोई सवाल ही नहीं. तो अगर इनसे इनका स्टेट छीन लिया जाएगा तो ये फिर से बेघर हो जाएंगे. और दूसरी बात, अगर पूरा लैंड इसराइल को मिलता है तो फिर पैलेस्टीनियन अरब्स जो सदियों से वहाँ रहते आए हैं वो बेघर हो जाएंगे. अब देखिए, आपके नोट के पेज 2 के जो फोर्थ पैराग्राफ है वहाँ बताया जा रहा है, द रूट्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी ट्रेस्ड टू द लेट 19th century. आपके जो नोट है, जो मैंने भेजा है, उसके सेकेंड पेज का फोर्थ पैराग्राफ देखिए, द रूट्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट
can be traced to the late 19th century with the rise of national movements including Zionism and Arab nationalism. तो ये जो अरब इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट है ये असल में 19th century में शुरू हुआ था, जब एक तरफ जियोनिज्म पैदा हो रहा था और दूसरी तरफ एक तरह का अरब नेशनलिज्म का पैदाइश हो रहा था। तो जियोनिज्म का क्या मतलब है? जियोनिज्म मतलब वो आइडियोलॉजी, वो आदर्श जिसमें ज्यूज लोग, ज्यूइश कम्युनिटी बिलीव करता है। दो द ज्यूइश एस्पिरेशन टू रिटर्न टू जियोन हैड बीन पार्ट ऑफ ज्यूइश रिलीजियस थॉट फॉर मोर देन अ मिलेनियम, द ज्यूइश पॉपुलेशन ऑफ यूरोप एंड टू सम डिग्री मिडिल ईस्ट बिगैन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ज्यूइश नेशन only during 1859 to the 1880s, largely as a solution to the widespread persecution of Jews and anti-Semitism in Russia and Europe. तो Jews लोग हमेशा से ही जानते थे और मानते भी थे कि उनका actual land of origin, उनका पैदाइश का जगह है जहाँ पर पैलेस्टाइन हुआ करता था। तो वही जगह जहाँ पर पैलेस्टीनियन अरब्स लोग अपना घर बनाकर, अपना बसेरा बनाकर रहता था, उसी जगह जियोनिज्म यानी ज्यूइश लोगों का भी लैंड ऑफ ओरिजिन था, ऐसा ही ज्यूइश कम्युनिटी के लोगों का मानना था। तो जब यूरोप में, रशिया में जगह जगह पर ज्यूज लोगों के ऊपर परसिक्यूशन, अत्याचार होने लगा, उन्हें लगा कि उनके लिए सेफ रहेगा अगर वो अपना लैंड ऑफ ओरिजिन पर लौट पाएगा। और उनका ये बात कुछ गलत भी नहीं है, इसका सबूत भी ये है कि जिसे आप जेरूसलम के नाम से जानते हैं, जो पैलेस्टाइन का कैपिटल हुआ करता था, लेकिन हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जिसको फ़िलहाल इज़राइल की कैपिटल घोषणा की है, तो वो जेरूसलम में ज्यूइश लोगों का जो किंग सोलोमन हुआ करता था, उनका प्रीचर, उनका धर्म, उनका मज़हब का प्रचारक किंग सोलोमन का टेंपल भी जेरूसलम में मौजूद है। तो ज्यूइश लोग हमेशा से दावा करता था कि पैलेस्टाइन जहाँ पर है वो असल में ज्यूज लोगों का ही लैंड ऑफ ओरिजिन है। तो अगर उन्हें कोई राष्ट्र बना दिया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ वही जगह पे बनाया जाए। तो ये बात उनके दिमाग में कब ज़्यादा से ज़्यादा आने लगा? जब से वो यूरोप और रशिया में परसिक्यूशन का शिकार होने लगा और उन्हें अपना एक स्टेट चाहिए था। ओके, तो देखिए, एज अ रिजल्ट द जियोनिस्ट मूवमेंट, तो जियोनिस्ट मूवमेंट मतलब कौन सा मूवमेंट? ज्यूइश लोगों को अपना एक राष्ट्र मिलना चाहिए, इसके लिए जो आंदोलन, यही जियोनिस्ट मूवमेंट, द मॉडर्न मूवमेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ अ होमलैंड फॉर द ज्यूइश पीपल वॉज एस्टैब्लिश्ड एज अ पॉलिटिकल मूवमेंट इन 1897। ओके, तो जियोनिज्म यानी ज्यूइश लोगों का अपना राष्ट्र, अपना होमलैंड बनाने का आंदोलन, वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया 1897 से। The Zionist movement called for the establishment of a nation state for the Jewish people in Palestine, which would serve as a haven for the Jews of the world and in which they would have the right for self-determination. तो देखिए, Zionist movement का मुख्य उद्देश्य या मकसद क्या था? ज्यूइश लोगों के लिए एक होमलैंड, एक नेशन स्टेट, उनका अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया जाए। कहाँ पे? इन पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन में जहाँ पर अरब मुसलमान लोग रहते थे,
वहाँ पर ही ज्यूइश लोगों को अपना नेशन स्टेट चाहिए था और उसके लिए आंदोलन हो रहा था, जिस आंदोलन को आप लोग जियोनिस्ट मूवमेंट बोलेंगे। और ज्यूइश लोग चाहते थे कि उनका जो स्टेट इस पैलेस्टाइन में बनेगा, वहाँ पे दुनिया भर की ज्यूइश लोगों को रहने का जगह मिलेगा, आसरा मिलेगा और उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन भी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होगा। तो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब आप लोग जानते हैं, इस कॉन्सेप्ट का मतलब है एक जाति एक राष्ट्र। तो ज्यूइश जाति के जितने भी लोग इस दुनिया में है उन सबका एक ही राष्ट्र, वो होगा इज़राइल। तो जियोनिस्ट्स इंक्रीजिंगली केम टू होल्ड that this state should be in their historic homeland which they refer to as the land of Israel. तो इसी बात पर कॉन्फ्लिक्ट है, जिस लैंड को पैलेस्टीनियन अरब्स दावा कर रहा है ये उनका लैंड है, उनका रहने का जगह है, उसी लैंड को ज्यूइश लोग भी क्लेम कर रहे हैं कि ये उनका होमलैंड है, तो उनका स्टेट इज़राइल यहीं पर बनेगा। तो यहीं से सभी कॉन्फ्लिक्ट, सभी समस्याओं का जड़ शुरू हो रहा है। द वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड द ज्यूइश नेशनल फंड इनकरेज्ड इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब आप जानते हैं, दूसरे देश से और एक देश में आना। तो वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मतलब दुनिया भर की ज्यूज लोगों का एक संगठन, वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और उसके साथ ज्यूइश नेशनल फंड। ये ज्यूइश नेशनल फंड एक ऐसा फंड है जहाँ से ज्यूइश लोगों को आर्थिक सहायता या मदद मिलता है। तो वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी ओर ज्यूइश नेशनल फंड दोनों ने मिलकर दुनिया भर की ज्यूज लोगों को इनकरेज किया, उत्साह दिया कि वो इज़राइल में आए और वहाँ पर आकर रहने लगे। इज़राइल मतलब कौन सी जगह, जहाँ पर पैलेस्टीनियन अरब मुसलमान लोग रहते हैं। और उसके लिए क्या किया, एक्चुअली इस उद्देश्य को, इस मकसद को हासिल करने के लिए वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और ज्यूइश नेशनल फंड ने मिलकर दुनिया भर की ज्यूज लोगों को दावत दिया इज़राइल में आकर रहने के लिए। और तो और ब्रिटिश और फ्रेंच लोगों ने भी इन दोनों संस्थाओं को काफ़ी मदद किया। आप यूँ बोल सकते हैं कि अगर इज़राइल राष्ट्र पैदा हो सका तो इसके पीछे ब्रिटेन और फ्रांस का एक बड़ा हाथ था। ओके, उसके बाद देखिए द वर्ल्ड वॉर वन एंड द आफ्टरमाथ, यानी कि पहला विश्व युद्ध, पहला जंगे जीन और उसके बाद क्या हुआ। एज अ रिजल्ट ऑफ अ म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी दैट द ओटोमन एम्पायर मेड विथ जर्मनी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन, द ओटोमन एम्पायर जॉइंड द सेंट्रल पावर्स अपोज टू ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो आप सब जानते हैं पहला विश्व युद्ध में क्या हुआ था, ओटोमन एम्पायर यानि जो एम्पायर टर्की के अंडर था, जिसको आप वर्तमान में टर्की बोलते हैं, वो टर्की असल में ओटोमान साम्राज्य था। तो ओटोमान साम्राज्य के साथ जर्मनी का एक डिफेंस ट्रीटी यानि डिफेंस रिलेटेड समझौता पत्र हस्ताक्षर हुआ था, जिसके वजह से ये जो पूरा टर्किश ओटोमान एम्पायर, इसने सेंट्रल पावर्स को ज्वाइन किया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो कैंप्स थे, एक तरफ सेंट्रल पावर्स और दूसरी तरफ एलाइड पावर्स। तो सेंट्रल पावर्स में कौन कौन थे, वही टर्की जिसको आप ओटोमन एम्पायर बोल रहे हैं, वो जर्मनी, एशिया माइनर, ऐसा देश मिलकर सेंट्रल पावर्स बनाया था और वो लड़े थे किसके खिलाफ, एलाइड पावर्स के खिलाफ। एलाइड पावर्स मतलब जहाँ पे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और अमेरिका थे।
तो ओटोमान साम्राज्य ने जब जर्मनी के साथ हाथ मिलाकर ब्रिटेन और फ्रांस के खिलाफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जंग लड़े थे और सेंट्रल पावर्स का बहुत बुरी तरह से हार हुआ था, तब क्या हुआ, ओटोमान एम्पायर इस टर्किश साम्राज्य में जितना भी लैंड था वो पूरा लैंड को ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने आपस में बांट लिया। तो टर्किश साम्राज्य का, ओटोमान एम्पायर का जैसे एक बहुत ही भयानक रूप में बंटवारा हो गया, डिवीजन हो गया और ओटोमान एम्परर जो थे, सम्राट जो थे, उनका सॉवरेनिटी, उनका पावर पूरी तरह से मिट गया। तो क्या हुआ, द पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीजिंग पैलेस्टाइन फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द ओटोमन एम्पायर लेड द न्यू ज्यूइश पॉपुलेशन एंड द अरब पॉपुलेशन इन पैलेस्टाइन टू सपोर्ट द अलाइनमेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड रशिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। तो मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे ही ओटोमान साम्राज्य टूट गया, ब्रिटेन फ्रांस ने इसको डिवाइड करके आपस में बांट लिया, तब ज्यूइश पॉपुलेशन को मौका मिल गया इस ओटोमान साम्राज्य में अपना बसेरा बनाने का। क्यों, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस ने ही ज्यूइश पॉपुलेशन को मदद किया कि वो ओटोमान साम्राज्य में जहाँ पर पैलेस्टाइन हुआ करता था वहाँ पे अपना होमलैंड बनाए, और पैलेस्टीनियन अरब्स को भी इससे सहमत होना पड़ा क्योंकि ओटोमान साम्राज्य ब्रिटेन और फ्रांस के सामने हार चुका था। तो नेचुरली अभी ब्रिटेन और फ्रांस जो तय करेगा उसी को मान के सबको चलना पड़ेगा। अब देखिए, इन 1915 द मैकमोहन हुसैन कॉरेस्पॉन्डेंस वॉज फॉर्म्ड। ये एक कॉमिटी था जिसको फॉर्म किया गया था, मैकमोहन और हुसैन दोनों इस कॉमिटी के चार्ज में थे। दिस कॉमिटी दिस कॉरेस्पॉन्डेंस वॉज फॉर्म्ड एज एन एग्रीमेंट विद द अरब लीडर्स टू ग्रैंड सॉवरेनिटी टू अरब लैंड्स अंडर ओटोमन कंट्रोल टू फॉर्म एन अरब स्टेट इन एक्सचेंज फॉर द ग्रेट अरब रिवोल्ट अगेंस्ट द ओटोमान्स। तो देखिए, जिस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमान साम्राज्य ब्रिटेन और फ्रांस के सामने हार गया, उस वक्त ओटोमान साम्राज्य के अंडर जितने भी अरब्स लोग थे वो सब ओटोमान एम्परर, सम्राट के खिलाफ रिवोल्ट कर रहा था। क्यों, क्योंकि ओटोमान एम्परर काफ़ी कॉन्जर्वेटिव था, काफ़ी रिजिड और फंडामेंटलिस्ट था, लेकिन उस साम्राज्य में रहने वाला अरब पॉपुलेशन काफ़ी लिबरल था, उनको लिबरलिज्म, रैशनलिज्म ये सब चाहिए था जो कि ओटोमान सम्राट देने के लिए राजी नहीं था। तो क्या हुआ, ओटोमान एम्परर के खिलाफ ओटोमान साम्राज्य में मौजूद अरब लोगों की जब ये रिवोल्ट चल रहा था, उसी वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुआ और उस दौरान ओटोमान साम्राज्य का ब्रेकअप हो गया। तो ब्रिटेन और फ्रांस ने बहुत ही चालाकी के साथ इन ओटोमान अरब पॉपुलेशन का इस्तेमाल किया। इन्होंने देखा, ब्रिटेन और फ्रांस ने देखा कि ओटोमान साम्राज्य की अरब लोग एम्परर यानी ओटोमान एम्परर को पसंद नहीं करता है, तो इनके इस अरब पॉपुलेशन को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करके ओटोमान एम्परर को मार गिराया ब्रिटेन और फ्रांस ने। और उसके बाद इस अरब पॉपुलेशन से वादा किया कि आपके लिए एक सॉवरेन स्टेट, एक सॉवरेन अरब लैंड हम लोग बना देंगे। ओके, तो ये वादा किया ब्रिटेन और फ्रांस ने, तो उन्होंने एक्चुअली अरब पॉपुलेशन को इस्तेमाल किया, अरब लोगों को उसकाया उकसाया ओटोमान सम्राट के खिलाफ। उसके बाद जैसे ही ओटोमान सम्राट गिर पड़ा, तो एज अ गिफ्ट, एज अ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द अरब्स, ब्रिटेन और फ्रांस ने इनसे वादा किया कि अब आप लोगों को हम आपका सॉवरेन अरब लैंड दे देंगे।
लेकिन क्या हुआ देखिए। 1917 में एक बल्फोर डिक्लरेशन आया। ब्रिटेन के हाथों लिखे हुए इस बल्फोर डिक्लरेशन, इसका नाम बल्फोर डिक्लरेशन क्यों है? क्योंकि ब्रिटेन का जनरल बल्फोर ने इस डिक्लरेशन को लिखा था। और यहाँ पर क्या प्रपोज किया गया? टू फेवर द एस्टेब्लिशमेंट इन पैलेस्टाइन ऑफ अ नेशनल होम फॉर द ज्यूइश पीपल, बट दैट नथिंग शुड बी डन टू प्रेजुडिस द सिविल एंड रिलीजियस राइट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉन ज्यूइश कम्युनिटीज इन पैलेस्टाइन। तो कितना बड़ा विश्वासघात है आप देख रहे हैं। पहले अरब लोगों को सम्राट के खिलाफ उकसाया, अरब लोगों की मदद लेकर ओटोमान सम्राट को मार गिराया, और जैसे ही ये मकसद हासिल हुआ, बल्फोर डिक्लरेशन में साफ साफ कह दिया कि पैलेस्टीनियन लैंड पर ही ज्यूइश लोगों के लिए होमलैंड बना दिया जाएगा, यानी इज़राइल बना दिया जाएगा। हाउएवर, इसको बनाने के बावजूद भी जो नॉन ज्यूइश कम्युनिटी है, यानी कि अरब लोगों की बात ही हो रही है, उनका राइट्स, उनका हक, उनका अधिकार, इन सब पर कोई आँच नहीं आएगा। तो देखिए, अरब लोग जिस जगह रहते हैं वहाँ पर ही ज्यूइश होमलैंड यानि इसराइल को बनाने की बात हुई इस बल्फोर डिक्लरेशन में, और सिर्फ ये कहा गया कि इस ज्यूइश होमलैंड के रहते हुए भी किसी भी तरह से अरब पॉपुलेशन की राइट्स, उनके फ्रीडम्स पर कोई आँच नहीं आएगा। तो उसके बाद क्या हुआ? In 1916, the Anglo-French Sykes-Picot Agreement allocated to the British Empire the area of present-day Jordan, Israel, the Palestinian territories, and the area of present-day Iraq. Okay, तो बल्फोर डिक्लरेशन 1917 में था, और 1916 में ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर एक जॉइंट एग्रीमेंट किया था जिसका नाम था साइक्स पिकॉट एग्रीमेंट, जिसने ब्रिटिश एम्पायर को बहुत सारा ज़मीन और लैंड दे दिया था, जिसको आज हम प्रेजेंट में जॉर्डन, इज़राइल और पैलेस्टीनियन टेरिटरीज़ के नाम से जानते हैं और इराक के नाम से जानते हैं। वो सब ज़मीन ब्रिटिश एम्पायर को दिया गया था 1916 में, और उसके बाद ही 1917 में बल्फोर डिक्लरेशन आया, जिसके ज़रिए ज्यूइश लोगों को इज़राइल नाम का होमलैंड प्रदान करने की बात आई थी। कहाँ? ऑन बोथ साइड्स ऑफ द जॉर्डन रिवर। तो जॉर्डन नाम की नदी की दोनों किनारे पर जो ज़मीन है वहाँ पर ही ज्यूइश होमलैंड बनेगा। But increased the concerns of the Arab population in the Palestine region. तो इससे क्या हुआ? जॉर्डन नदी के दोनों किनारे पर इतने दिनों तक जितने अरब पॉपुलेशन रहते थे उनके सेंटिमेंट को ठेस पहुंचाकर इज़राइल नाम की ज्यूइश होमलैंड बनाने की बात हुई बल्फोर डिक्लरेशन में। In 1917, the British succeeded in defeating the Ottoman Turkish forces and occupied the Palestine region. तो 1917 में देखिए, इस पीरियड को ध्यान में रखिए, 1916-1917, मतलब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो 1917 में ब्रिटिश लोग सक्सेसफुल हो गए ओटोमान टर्किश जो साम्राज्य था उसको मार गिराने में, और ओटोमान साम्राज्य में जितने भी पैलेस्टीनियन लैंड्स था उन सबको ब्रिटिश ने अपने कब्जे में कर लिया। द लैंड रिमेन्ड अंडर ब्रिटिश मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द रिमेंडर ऑफ द वॉर, यानी कि जब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला ओटोमान साम्राज्य के अधीन में जितना भी पैलेस्टीनियन लैंड था उस पर पूरा ब्रिटिश एम्पायर का कब्जा हो गया। On January 3, 1919, future president of the World Zionist Organization, Chaim Weizmann, and the future King Faisal I of Iraq
signed the Faisal-Weizmann agreement, in which Faisal provisionally accepted the Balfour Declaration, conditional on the fulfillment of British wartime promises of Palestine being included in the area of Arab independence. तो जब 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, 1919 में वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो होने वाला प्रेसिडेंट था चाइम वाइजमैन, और इराक के जो होने वाला किंग था फैजल वन, इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ, फैजल वाइजमैन एग्रीमेंट, जिसके ज़रिए फैजल ने, यानी कि इराक के होने वाला राजा ने, एक्सेप्ट कर लिया बल्फोर डिक्लेरेशन को. यानी कि फैजल ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि ओटोमान साम्राज्य के अधीन में जितने भी अरब टेरिटरी है वहाँ पर ही इसराइल बनेगा, जॉर्डन नदी की दो किनारों पर, कंडीशनल. लेकिन इसके साथ इस बात को भी ख्याल रखना पड़ेगा कि ब्रिटेन ने पैलेस्टीनियन लोगों को जो प्रॉमिस किया है बल्फोर डिक्लेरेशन में, वो भी फुलफिल करना पड़ेगा. कौन सा प्रॉमिस? कि इसराइल के पैदा होने के बावजूद भी पैलेस्टीनियन लोगों की अधिकार, उनकी सुरक्षा पर कोई आँच नहीं आएगी. एट द 1919 पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस एंड ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स है वो दो एग्रीमेंट्स और कॉन्फ्रेंस जिसके ज़रिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ. तो इसमें क्या हुआ? टर्कीज लॉस ऑफ इट्स मिडिल ईस्ट एम्पायर वॉज फॉर्मलाइज्ड. तो टर्की कौन है? जिसको हम ओटोमान साम्राज्य, ओटोमान एम्पायर बोल रहे हैं, और उसका लॉस ऑफ द मिडिल ईस्ट एम्पायर. मिडिल ईस्ट एम्पायर मतलब अरब लैंड जो अब तक ओटोमान साम्राज्य में था, उस अरब लैंड को पूरी तरह से टर्की के हाथों से छीन लिया गया, और ये बात को ऑफिशियल फॉर्मल बना दिया गया ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स और पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में. ओके, फिर देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने से तुरंत पहले सिचुएशन क्या हुआ. After World War I and the collapse of the Ottoman Empire, in April 1920, the Allied Supreme Council meeting at San Remo granted to Britain the mandates for Palestine and Transjordan, the territories that include the area of present-day Israel, Jordan, West Bank and the Gaza Strip, endorsing the terms of the Balfour Declaration. यानी कि अगर आसान जुबान में बोले तो वर्ल्ड वॉर वन और ओटोमान साम्राज्य के कोलैप्स होने के, मिट जाने के बाद अप्रैल 1920 में वो सब जगह को पॉइंट आउट कर दिया गया जहाँ पे इसराइल यानी ज्यूइश होमलैंड बनेगा. तो वो कौन कौन सा जगह था? ट्रांसजॉर्डन एंड पैलेस्टाइन. कौन कौन सा जगह? देखिए, जॉर्डन, वेस्ट बैंक एंड गाज़ा स्ट्रिप. तो जॉर्डन से कुछ इलाका, वेस्ट बैंक की इलाका और गाज़ा स्ट्रिप को लेकर इसराइल को बनाया जाएगा, इस बात को फॉर्मलाइज किया गया. फिर इन अगस्त 1920 दिस वाज ऑफिशियली एक्नॉलेज्ड इन द ट्रीटी ऑफ सेवरेस. तो 1920 की अगस्त में एक दूसरा समझौता पत्र, ट्रीटी ऑफ सेवरेस, ऑफिशियली साइन हुआ, जिसके ज़रिए फिर से इसराइल होमलैंड की इस टेरिटरियों को एक फॉर्मल और लीगल परिचय, आइडेंटिटी दिया गया. बोथ द जियोनिस्ट एंड अरब रिप्रेजेंटेटिव्स अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस. तो ये कॉन्फ्रेंस जहाँ पे ट्रीटी ऑफ सेवरेस साइन हुआ था, उसमें जियोनिस्ट यानी ज्यूइश लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स भी था और अरब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स भी था. तो सबकी मौजूदगी में ही ट्रीटी ऑफ सेवरेस हस्ताक्षर हुआ, जहाँ पे इसराइल पैदा हुआ फॉर्मली और ऑफिशियली. किन किन इलाकों को लेकर? कुछ कुछ जॉर्डन के इलाका, वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप. ओके,
द एग्रीमेंट वॉज नेवर इम्प्लीमेंटेड. ये ट्रीटी ऑफ सेवरस में जियोनिस्ट और अरब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स के मौजूदगी में जो बात तय हुआ वो सिर्फ बातों में कागज़ों में ही रह गया, उसको इम्प्लीमेंट यानि प्रयोग नहीं किया गया. फिर क्या हुआ? पैलेस्टीनियन नेशनलिज्म वॉज मार्क्ड बाय अ रिएक्शन टू द जियोनिस्ट मूवमेंट एंड टू ज्यूइश सेटलमेंट इन पैलेस्टाइन एज वेल एज बाय अ डिज़ायर फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन बाय द अरब पॉपुलेशन इन द रीजन. तो पैलेस्टीनियन रिप्रेजेंटेटिव्स ने ट्रीटी ऑफ सेवरस को तो साइन कर लिया, लेकिन मन ही मन में अरब लोग इस बात को मंजूर नहीं कर पा रहे थे, इस बात से सहमत नहीं हो पा रहे थे कि सदियों से वो जिस जगह पे रहते आए हैं उस अरब लैंड में एक इज़राइल नाम का ज्यूइश स्टेट का फॉर्मेशन होगा. तो उनके इस नामंजूरी से ही एक तरह का अरब नेशनलिज्म का पैदाइश हुआ. तो ज्यूइश इमिग्रेशन टू पैलेस्टाइन कंटिन्यूड टू ग्रो सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ब्रिटिश मैंडेट इन पैलेस्टाइन, मेनली ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ एंटी सेमिटिज्म इन यूरोप. तो आप लोगों ने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ओटोमान साम्राज्य में जितने भी अरब लैंड थे उस पर ब्रिटेन ने अपना हक जमा लिया था, और ब्रिटेन की ही इनिशिएटिव की वजह से बेलफोर डिक्लरेशन, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ट्रीटी ऑफ सेवरेस ये सब हो रहा था. तो ब्रिटेन का मैंडेट जिस वक्त इन अरब लैंड्स पर था, यानि ब्रिटेन का कब्जा जब तक इन अरब लैंड्स के ऊपर था, तभी से यूरोप की और दुनिया भर की हर जगह से ज्यूइश लोग धीरे धीरे इस पैलेस्टीनियन या फिर अरब लैंड में घुसने लगे उनका इज़राइल स्टेट को बनाने के लिए. और ये बढ़ता रहा कब? एंटी सेमिटिज़म, यानी कि जब से यूरोप और रशिया में ज्यूइश लोगों पर अत्याचार शुरू हुआ तब से ये इमिग्रेशन, ये दूसरे जगह से ज्यूइश लोगों का अरब लैंड में आना, ये सिलसिला बढ़ता गया. उसके बाद क्या हुआ? बिटवीन 1919 एंड 1926 90,000 इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन पैलेस्टाइन. देखिए 1919 और 1926 के बीचों बीच 90,000 ज्यूइश इमिग्रेंट्स पैलेस्टीनियन अरब लैंड में आ पहुंचा, क्योंकि यूरोप में उन पर जुल्म हो रहा था. जैसे कि यूक्रेन में क्या हुआ था, 100,000 ज्यूज को मार दिया गया था, क्योंकि यूक्रेन में उस वक्त जर्मनी की नाज़ीज़्म का प्रभाव था, और नाज़ी लीडर्स लोगों ने क्या किया, यूक्रेन में जितने भी ज्यूज थे उनमें से 100,000 ज्यूज को मार दिया. तो यूक्रेन से जितने भी बचे कुचे ज्यूज थे वो सब भागने लगे, और भागकर कहाँ पहुँचा? पैलेस्टीनियन अरब लैंड में. सम ऑफ दीज इमिग्रेंट्स वेर एब्जॉर्ब्ड इन द ज्यूइश कम्युनिटीज एस्टैब्लिश्ड ऑन द लैंड्स परचेस्ड लीगली बाय जियोनिस्ट एजेंसीज फ्रॉम द एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स. यानी कि पैलेस्टीनियन अरब लैंड में जो जो घर में लैंडलॉर्ड्स एब्सेंट थे, मौजूद नहीं थे, उन सब घरों पर ये ज्यूइश लोग यूरोप से आकर उन्होंने कब्जा कर लिया, अपना एक ज्यूइश कॉलोनी बना लिया. इन सम केसेस अ लार्ज एक्विजिशन ऑफ लैंड्स फ्रॉम द एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स लेड टू द रिप्लेसमेंट ऑफ द फलाहिन टेनेंट फार्मर्स विद द यूरोपियन ज्यूइश. अच्छा, इस पोर्शन को बोलने की ज़रूरत नहीं, इन सम केसेस से लेकर इस पैराग्राफ का अंत तक आप लोग काट दीजिए, ओमिट कर दीजिए, ये आपको बोलने की ज़रूरत नहीं. आप लोग यही तक बोलिए कि जैसे जैसे यूरोप में ज्यूइश लोगों का पर्सिक्यूशन होता रहा, ज्यूइश लोग आने लगे अरब लैंड में और वहाँ पर ही अपना कॉलोनी बढ़ाने लगा. तो ग्रेजुअली इन सब की वजह से क्या हुआ, पैलेस्टाइन में अरब लैंड में ज्यूइश पॉपुलेशन
पैलेस्टीनियन अरब से भी ज़्यादा हो गया। उनका संख्या यानी ज्यूइश लोगों का संख्या पैलेस्टीनियन अरब लोगों की संख्या से काफ़ी बढ़ गया। द अरब पॉपुलेशन, सेकेंड पैराग्राफ में आइए, द अरब पॉपुलेशन इन पैलेस्टाइन opposed the increase of the Jewish population because the new immigrants refused to lease or sell land to the Palestinians or hire them. During the 1920s, relation between the Jewish and the Arab populations deteriorated and the hostility between the two groups intensified. Naturally, जितना ज़्यादा ज्यूज आकर पैलेस्टीनियन लैंड्स पर दखल करने लगा, उतना ही पैलेस्टीनियन अरब्स और ज्यूइश लोगों में तनाव, हॉस्टिलिटीज बढ़ता गया। फ्रॉम 1920, द ग्रैंड मुफ्ती ऑफ जेरूसलम हज मोहम्मद आमीन अल हुसैनी बिकेम द लीडर ऑफ द पैलेस्टीनियन अरब मूवमेंट एंड प्लेड अ की रोल इन इंसाइटिंग रिलीजियस रायट्स अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इन पैलेस्टाइन। ओके, तो 1920 से जेरूसलम में वहाँ के हज के जो ग्रैंड मुफ्ती थे मोहम्मद आमीन अल हुसैनी, वही पैलेस्टीनियन अरब मूवमेंट का लीडर बन गया और पैलेस्टीनियन अरब्स को उकसाने लगा ज्यूइश लोगों के खिलाफ रायट्स, दहशत, ये सब करने के लिए। द मुफ्ती स्टर्ड द रिलीजियस पैशंस अगेंस्ट द ज्यूज by alleging that Jews were seeking to rebuild the Jewish temple on the site of the Dome of the Rock and Al-Aqsa Mosque. तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि जेरूसलम को कहा जाता है यहाँ पे तीन religions के लोगों का sacred places है। तो Christian लोग जेरूसलम को काफ़ी sacred और पाक जगह मानते हैं। क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट पैदा हुआ था जेरूसलम में। ओके, तो क्रिश्चियन लोगों के लिए जेरूसलम एक बहुत ही पाक जगह, उनका पिलग्रिमेज साइट हुआ। ज्यूइश लोग भी इस जेरूसलम को अपना पवित्र जगह मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किंग सोलोमन का टेंपल मौजूद है। तो जिसको ज्यूइश टेंपल कहा जा रहा है, जो जेरूसलम में है, वो असल में क्या है? किंग सोलोमन द्वारा बनाए हुए टेंपल, जो ज्यूइश लोगों के पूजा का, वर्शिप का गॉड है। और उसके साथ मुसलमानों के लिए भी जेरूसलम एक बहुत ही पाक और पवित्र रिलीजियस जगह है, क्योंकि यहाँ अल अक्सा मस्जिद मौजूद है, यानी जहाँ से हजरत नबी हजरत मोहम्मद को जन्नत जाना पड़ा था। यहाँ से ही आप लोग बेहतर जानते होंगे कि अल अक्सा मस्जिद से ही नबी हज़रत को जन्नत जाना हुआ था। तो इस वजह से ये जेरूसलम बहुत ही एक सेंटिमेंटल पॉइंट ऑफ एरिया है, जिसको लेकर मुसलमान और ज्यूइश के बीच काफ़ी दरार है। तो ये जो हज के ग्रैंड मुफ्ती थे आमीन अल हुसैनी, ये अरब लोगों को उकसाने लगा, इनको और भी इंसाइट करने लगा, ये बोलकर कि ज्यूइश लोग शायद अल अक्सा मॉस्क को तोड़कर यहाँ पर अपना सोलोमन का टेंपल बना लेंगे। मतलब यहाँ इंडिया में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर जो चलता है, जेरूसलम में भी अल अक्सा मॉस्क और ज्यूइश टेंपल को लेकर वही सिलसिला शुरू हो गया। द फर्स्ट मेजर रायट्स अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इन पैलेस्टाइन वेर द जाफा रायट्स इन 1921। तो मतलब एक के बाद एक देखिए, अब पैलेस्टीनियन अरब्स और ज्यूइश लोगों में रायट्स शुरू हो गया। किस बात को लेकर? जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज्यूइश लोग यूरोप की दूसरी जगह से पैलेस्टाइन में आ रहे थे अपना बसेरा, अपना स्टेट बनाने के लिए, उतना ही दहशत बढ़ता जा रहा था।
अब देखना है ब्रिटेन इस मामले में क्या करता है, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि जिस वक्त की बात हम कर रहे हैं 1947 से पहले, 1917 की बल्फोर डिक्लरेशन से लेकर 1947 तक वो टाइम था जब ब्रिटेन ने अपना मैंडेट यानी अपना एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज पैलेस्टीनियन अरब लैंड में कायम रखा था। तो उसी वक्त ये सब रायट्स, ये सब दहशत भरी घटनाएं घट रही थी। तो देखना ये है कि अब ब्रिटेन क्या करेगा, क्योंकि ब्रिटेन को बाहर निकलना है। वो तो सालों भर युग युग तक पैलेस्टीनियन लैंड में अपना मैंडेट बनाकर नहीं रखेगा। जैसे इंडिया को छोड़कर ब्रिटिश को एक वक्त जाना पड़ा, ठीक उसी तरह पैलेस्टीनियन अरब लैंड को भी छोड़ने का वक्त आ गया 1947 में। तब देखना यह है कि छोड़ने से पहले ब्रिटेन पैलेस्टीनियन और ज्यूइश लोगों के लिए क्या छोड़ के जाता है। और देखिएगा कि इंडिया में ब्रिटेन ने जो किया, एक तरफ मुसलमानों के लिए पाकिस्तान क्रिएट करना और दूसरी तरफ हिंदू के लिए हिंदुस्तान बनाना, ये जो पार्टीशन का प्लान, पार्टीशन का कॉन्स्पिरेसी जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जो कॉन्स्पिरेसी किया, ठीक वही कॉन्स्पिरेसी इन लोगों ने पैलेस्टाइन में भी किया, इज़राइल ज्यूइश लोगों के लिए बनाकर और पैलेस्टाइन अरब लोगों के लिए बनाकर। लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, ये मैं आप लोगों को अगले लेक्चर में बताऊंगी। तो आज इस नोट का पेज 4 तक हम लोग पढ़े। अगला लेक्चर शुरू होगा इसी पेज की 1947 पार्टीशंस। तो तब तक आप मेरा सेकेंड लेक्चर सुनिए, इस नोट को सामने रखकर और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।